नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते कुछ खबरों की ओर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आज कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। सेबी चीफ माधवी पुच के इस्तीफे और अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग। कांग्रेस सांसद आज 22 अगस्त को देश भर में हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। 10 अगस्त को सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेबी चीफ माधवी पुच के अडानी ग्रुप के पैसों की हेराफेरी स्कैंडल में इस्तेमाल की गई। स्पष्ट ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी थी। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सेबी चीफ माधवी पुच को उनके पद से हटाया जाए और अडानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से करवाई जाए। राहुल गांधी ने 11 अगस्त को कहा था कि अडानी महाघोटाले की जांच एसईबीआई को दी गई। अब खबर है कि एसईबीआई की चीफ माधवी पुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है। मतलब घोटाले की जांच करने वाली ही घोटाले में शामिल है। अडानी ग्रुप पर हमारी रिपोर्ट के लगभग 18 महीने हो चुके हैं। रिपोर्ट में इस बात के पुख्ता सबूत पेश किए गए थे कि अडानी ग्रुप कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा था। हमारी पार्टी ने ऑफशोर मुख्य रूप से मॉरिशस बेस्ड शेल एंटिटीज के एक जाल को उजागर किया था, जिनका इस्तेमाल संदिग्ध अरबों डॉलर के अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए किया गया था। सभी सबूतों के अलावा 40 से ज्यादा इंडिपेंडेंट मीडिया इन्वेस्टिगेशन ने हमारी रिपोर्ट की पुष्टि की थी। इसके बावजूद सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई पब्लिक एक्शन नहीं लिया। जुलाई 2024 में सेबी ने हमें कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसके जवाब में हमने लिखा था कि हमें यह अजीब लगा कि कैसे सेबी को एक रेगुलेटर होने के बावजूद फ्रॉड प्रैक्टिसेस को बचाने के लिए सेटअप किया गया था। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।